Jaydi, na? How do I behave? बोली जाओ को फर्क नहीं पड़ता कोई सुन नहीं रहा बोलो जो सच जो तुझे मंच तोड़े लिखा है वही बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह भाई कमल जी सिंह जी पटियाले तो आए हैं ते तुर फिर नहीं सकते बहुत प्रॉब्लम सी बैड रिडन सी मैं ते बहुत ही गल भूल भी जाती है क्योंकि डिस्कनेक्ट जा हो जाता ना पर सरदार साहब बहुत ही कृपा हुई इन्होंने पटियाले बुला के उत्थे कीता भी है तो बहुत परेशान सी इन्हों भेजन वाले होर सी गुरु प्यारे जो 17 साल स्पाइनल कोई इंजरी हो गई सी स्पाइनल कॉर्ड से वर्टिबल कॉलम से तो तुर नहीं सकते डॉक्टर ने कहा सी भी तेरा ऑपरेशन करांगे पर गरंटी कोई नहीं तो ठीक हो जाओगे निशान साहब सेवा करते डिग पे सी इतने आके बिल्कुल ठीक हो गए तो उन्होंने तो इन्फ्लुएंस होकर इस सरदार साहब इतने आए तो प्लीज़ दसो जो थोड़ा महसूस होया जिदा भी दिस इज़ द पार्ट ऑफ रूटीन कोई मेरा भी कसूर नहीं है सारे दाड़ी बंदे आते तो हर एक ना बंदा पोलाइटली नहीं बल गल कर सकता दिस माई डेफिशंसी पर जो होया दिस प्लीज वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह मैं पहला कोट कोट गुरु ग्रंथ साहब जी का धन्यवाद करदा ते नाल सारे मिशन का धन्यवाद करदा जिन्होंने मेरे ते अपार कृपा की मैं अज तो 1.5-2 साल पहला साल 1.5 साल बिल्कुल बैड पर रहा मैं मेरे बैक पेन हुंदा सी जदों मैं बैड तो हेठा उतरदा सी लत्त सारी खिंची जांदी सी बस मैं कहिंदा सी मैं जिवें डिगण लग्गिया ना मैं शॉप ते जांदा सीगा ते बहुत ट्रीटमेंट कराए कोई इलाज छड्डिया नहीं मैंने अंग्रेजी देसी सारे इलाज कराए एक दिन मेरा छोटा साला घर आया तो मैसेज मेरे रोण लग पे उन्हें घर जाके दसिया तो अगले दिन मेरे सस ते वड्डा साला मेरा आ गया वो कहिंदे भी तुसी सारे पासे ट्रीटमेंट करा चुके हो लुधियाने कैंप लग्या तुसी कैंप अटेंड करो ते मैं कि मैं तो उरे बंजे दे पिया उत्थे कैंप किवें अटेंड करांगा वो कहिंदे मैनू हुणे ही लुधियाने तो फोन आया उन्हां दा दोस्त एक गया पिया सीगा जिन्हां दी डॉक्टर साहब ने हुणे दस्सिया कि निशान साहब तो डिगे सीगे कहिंदे भी वह उत्थे गया होया तो उसका मैं फोन आया भी तुम आओ तो उन्होंने फिर दोबारा फोन किया लुधियाने बिट्टू नूं मुंडे का नाम है तो वह कहिंदा भी हुणे भी कैंप चल रहा हुणे एक अमरीका तो कोई पेशेंट है वह आए ने तुम आ जाओ बस परमात्मा ने ऐसी विधि बनाई कोई 12:30 बजे नाल दिने गल हो रही सी असी 1 बजे बस स्टैंड आ के बस फड़ ली तो 4 बजे जिहड़ा प्रोग्राम शुरू हुंदा उहदे च असी हाजरी भरी ते उस तो बाद भी जिन्हों जो प्रॉब्लम है तुसी आके अपने फाइल वगैरह रिपोर्टा दिखाओ डॉक्टर साहब नूं मैं डॉक्टर साहब को गया मैं कही रिपोर्टा ने मेरिया क्या देखो तो डॉक्टर साहब ने कहा भी तुसी अंदर हाजिरी भरो तो मेरे मन च आ गया भी डॉक्टर साहब ने रिपोर्टा मेरिया देखिया नहीं भी इग्नोर जहा करता जिमें मन माड़ा जहा थिड़क गया पर मैं अंदर आ के तकरीबन मैं चौथे एक दिन का कैंप लंघ चुका सी मैं दूसरे दिन हाजिरी भरी है तो मैनू बैठन का बड़ा औखा होया पर मैं कदे खड़ जांदा सीगा कदे बैठ जांदा सीगा तो परमात्मा ने जदों लास्ट दिन पूछा गया भी दसो भी की प्रो किन्ना क फायदा होया तो मैं कि मैनू तो बहुत फायदा लग रहा है फिर डॉक्टर साहब ने उरे सन्मानित किया तो अगले दिन जाके मंडे नू मैं क्या दुकान दिया चाबियां दो तो मैं दुकान पर जा रहा कहिंदे की हो गया मैं क्या मैनू कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो उस तो बाद मैनू कोई भी पटियाले जाके कोई मैनू पेशेंट पता लगे तो मैं उन्होंने कहां भी आ सीढ़ियां जिहड़ियां नाटकी करना है जां सत शब्दां दे जाप ने भी मैं उन्होंने दवा ता कि वह भी मेरे वांगू राजी होवे तो परमात्मा ने बड़ी कृपा की मैनू एक बैक पेन की प्रॉब्लम सी एक मेरा अंगूठा सुन्न रहिंदा सी ते मैं उत्थे डॉक्टर साहब नूं दिखाया जी वो कहिंदे भी उरों ऑपरेशन होएगा नस कट के ते दूसरी नस नाल जोड़ी जाएगी ते मैं कहा भी ये बड़ी प्रॉब्लम है भी वो मैं उरे आया जी वो नस तां उरे मुड़ के मैनूं याद ही नहीं सज्जा हत्थ सी जां खब्बा हत्थ सी जी बोले सोनिया ते जिहड़ा मेरा ब्लड सीगा एच बी
ਉਹ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਰੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ 8.5 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮੇਰੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਕੋਈ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੂਗਰ ਮੇਰੀ ਨੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤਾਂ 170-180-200 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਧੀ ਗੋਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨੋਰਮਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਦੇ 100 ਕਦੇ 105-10 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬਸ ਨੋਰਮਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ ਪੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮੈਂ ਹੋਲਸੇਲ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ 10 ਪੱਤੇ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪਏ ਬੀ ਪੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਬੀ ਪੀ ਨੋਰਮਲ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਕਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਰੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਰੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ